Hi guys, hope you all are well. I welcome you all to learn with diamond door and I believe and I hope कि आप लोग all मतलब आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ninety nine percent हो गई होगी because आपके exam बहुत जल्दी आने वाले हैं और um, I think most of you guys are done with your farewell as well और uh, कुछ कुछ लोगों की नहीं हुई है और कुछ लोगों की हो गई है तो of course it's a very memorable moment we don't have to miss it but at the same time we have to look for our study as well right और तो क्योंकि हमारे एग्जाम है वो भी बोर्ड के तो वी हैव टू लुक फॉर देट एज वेल और क्योंकि फेयरवेल भी एक ही बार होनी है लाइफ में तो मतलब स्कूल की फेयरवेल तो उसको भी देखना है जरूरी है तो योगा इज़ आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड हैड्स ऑफ टू यू बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस दिस डेज फॉर योगा इज़ सो एज़ यू नो दैट वी आर फॉलोइंग के स्टडी सीरीज़ ऑफ चैप्टर इलेवन मार्केटिंग बिजनेस स्टडीज़ तो अभी हम लोग आगे की केस स्टडी करने वाले हैं चल फर्स्ट केस स्टडी सो इट टू हर नाइस ऐश्वर्या फॉर शॉपिंग टू बेंट टू बाय हर अ ड्रेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे शी वाज डिलाइटेड व्हेन ऑन पेमेंट फॉर आर द ड्रेस शी गॉर अ डिस्काउंट वॉर्चर ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ आर अल ऑफ रुपीज एंड अबव एट अ फेमस ईटिंग जॉइंट आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द प्रमोश प्रमोशन मेक्स यूज बाय द कंपनी इंडिया वो सिचुएशन आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बट ठीक है कुछ बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या बोल रही है स्टडी के अंदर उसने बोला कि जो सुनीता है वो अपनी नाई से उनकी कोई या जो भी है वो लेके जाती है शॉपिंग हॉल में विनितो जहाँ पे मतलब ड्रेस दिलाने के लिए बिकॉज ऑफ बिकॉज इस लड़की का बर्थडे होता है एंड वो और जो सुनीता है वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसको बीस रुपये का वाउचर मिलता है फॉर अ मील मतलब वो पाँच सौ रुपये का खाना खा सकती है और मतलब ये मतलब अच्छा लगा उसको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ उसे ठीक है तो आपको इसमें प्रमोशन मिक्स का टेक्निक बताना है तो बहुत ईजी है तो सेल्स प्रमोशन है जो शॉर्ट टर्म के लिए है मतलब तो डाइट फुल करने के लिए डिस्काउंट जैसे वाडा जाए तो उसके अंदर सेल्स प्रमोशन और अगेन जैसे मैंने पिछले केस स्टडी के अंदर भी बताया था आपको कि क्योंकि ये वन मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या आपको कंसेप्ट तो बताना ही है उसकी वन वन लाइनर के अंदर एक्सप्लेनेशन भी देनी है और गाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस आपको एक्सप्लेनेशन देकर आनी है राइट एंड आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होगी सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट केस स्टडी जूम उद्योग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्टार्टेड इट्स बिजनेस विद जूम एट हंड्रेड एंड स्लोली लॉन्च्ड ट जूम थाउजेंड वैगन जेड ठीक है ना स्विफी एक्सेट्रा एंड ऑफर्ड वेरियस सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा आइडेंटिफाई दी एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स एफड हेयर तो कितना ईजी है ऑप्शन ठीक है और ये सी बस में आया है इसका मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं राइट तो मैं समझाती हूँ जिनको नहीं समझ में आया क्या बोल रहे जो जूम जूम उद्योगिक एक मैनुफैक्चरिंग कंपनी है जिसने मतलब Uh, मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया जूम एट हंड्रेड्रेड के साथ और स्लो धीरे धीरे उन्होंने बहुत मतलब बिजनेस तो जूम हंड्रेड के साथ शुरू करा था लेकिन अभी उनके पास जूम थाउजेंड था, वैगनजा एस वीफाई इतनी सारी गाड़ियाँ और वो लोग uh, जो है आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्पेयर पार्ट्स को भी हेल्प करते हैं तो आपको बता दें कि इसके अंदर किस चीज़ की बात की जब मार्केटिंग मिक्स के हमारे फोर पीस हैं आपको याद होगा नहीं याद होगा तो जस्ट हैव टू सर्च फॉर सम पार्ट मतलब आपको क्या करना है मतलब सर्च करना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मार्केटिंग मिक्स का पूरा होल वीडियो बना रखा है जिसके अंदर अपने फोर पीस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मतलब ईच एंड एवरी वर्ड मैंने एक्सप्लन हैं। तो आपको दो, दो वीडियो और तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट लग रहा है फोर पीस जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो हमारे फोर पीस है मार्केटिंग मिक्स के इसके अंदर हम ज्यादातर प्रोडक्ट की बातें कर रहे हैं कि जूम एट हंड्रेड ले लेना ले जूम थाउजेंड ले लेना वैगन ले लेना इस तरह की चीजें तो इसके अंदर प्रोडक्ट की बातें कर रही है और अगेन क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वर्ड प्रोडक्ट गिवन है गिवन है यू हैव टू एक्सप्लेन इन वन लाइन ठीक है ये याद रखना है आपको वन मार्क्स का क्वेश्चन है यू डोंट हैव टू इग्नोर दिस थिंग ठीक है ये छोटे छोटे थिंग्स ही आपके नंबर कटवा सकती हैं राइट Let's see the next case study. the so Maya Hotel in Indore was facing a problem of law of demand for its rooms due to off season. The manager, director, MD of the hotel, Mrs. Mrs. shakina was very worried. She called upon the marketing manager, Mr. Kapoor, for his advice. He suggested that the hotel should announce an offer of three days and two nights hotel stay, package with free breakfast and one day religious visit to Omkeshwar and. महाकालेश्वर टेम्पल द एम डी लाइक दजेशन वेरी मच आइडेंटिफाई द प्रमोशन टूल विच कैन बी यूज बाय द होटल ठीक है एंड थ्रू विच लार्ज नंबर ऑफ द परस्पेक्टिव प्रिग ठीक है ना प्रिग्रमेज टूरिस्ट ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल्सो अब्रॉड कैन भी रीच इनफॉम एंडिव टू यूज़ दी इसेंटिव तो इसके अंदर तो क्या बोला गया है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ गाइज यू अंडरस्टेंड एंड दोज हु डोंट आई आई एल एक्सप्लेनिंग फॉर यू राइट तो इसमें क्या बोला है इसमें बोला गया जो श्री मायक होटल हैं इंदौर के अंदर और वो मतलब वहाँ पर डिमांड नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ सीज़न मतलब मतलब ऑफ़ सीज़न समझ रहे होंगे ना आप मतलब ऑफ़ सीज़न हर जैसे कि अगर ऑफ़ सीज़न समझ रहे हैं ना मतलब जब डिमांड नहीं होती है इस तरह का जब सिनेरियो क्रिएट होता है तो उसने अपने मतलब जो मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर थे एमडी वो शकीना जो थी वो बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने मिस्टर कपूर को बुलाया उसके एडवाइस के लिए क्योंकि वो एक मार्केटिंग मैनेजर थे एमएम MM. तो उन्होंने बोला कि चलो लेट्स मेक सम अनाउंसमेंट और कुछ हम लोग इंसेंटिव डिस्काउंट देते तो उन्होंने बोला कि हम उनको बोलते हैं कि हम ऑफर करें थ्री डेज़ और टू नाइट्स और हम उसके अंदर उसका जो ब्रेक जो ब्रेकफास्ट है वो फ्री देंगे और जो हमारा रिलीजियस एक विजिट होगा ओमकरेश्वर और महाकलेश्वर टेम्पल के लिए वो भी हम ले जाएंगे वो फ्री ऑफ ऑफकर्स उसने अच्छा लगा तो आपको बोल रहे हैं कि अब ये हमने तो सोच लिया लेकिन लोगों को कैसे पहुँचाया जाए और हमें चाहिए लार्ज नंबर ऑफ़ द परसपेक्टिव क्योंकि होटल है ना उसके अंदर दो चार लोग तो नहीं ठीक है हम कहीं मतलब वाइड रीच होना चाहिए तो ऑफकोर्स जब वाइड रीच की बात आ जाती है तो हमारा है एडवर्टाइजिंग अगेनी प्रमोशन मिक्स है और मैंने इसके एलिमेंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे अपनी वीडियोस के अंदर सो इफ़ एनी प्रॉब्लम और एडवर्टाइजिंग वाला तो मैंने दूसरी दूसरी, दूसरी बुक से कवर कर रखा है मतलब उसको बहुत डिटेल में हमने किया है कुछ फिफ्टीन फिफ्टी मिनट्स की वीडियो है तो अगर आप कोई भी परेशानी हो तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं राइट है? और ये दो हज़ार सोलह में आया था और एक नंबर का है तो अगेन यू हैव टू प्रोवाइड एक्सप्लेशन इन वन लाइन राइट गाइज सो दिस इज द होल केस दिस इज द होल अबाउट ऑल द वीडियो एंड ये हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर तीन केस स्टडी करी है एंड देट्स ऑल फॉर वीडियो एंड इफ यू हैव एनी कॉम इफ हैव एनी डाउट देन डू कॉमेंट मिलो मतलब कोई भी डाउट है मतलब इस पूरे चैप्टर से बिकॉज टुडे इज़ दी लास्ट वीडियो ऑफ़ दिस चैप्टर अभी इस अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि अब इस चैप्टर के अंदर के सी भी कम्प्लीट हो गई है थियोटिकल the पोर्सन भी कम्प्लीट हो गया है तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो की मतलब इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं तो मैं उस टॉपिक में दोबारा कोई वीडियो लेकर आऊँगी मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को नहीं समझ में आए इन आई हैव टू एक्सप्लेन अ तो आई मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक राइट एंड This is the last video for chapter uh, for chapter marketing business studies. So, and if you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye, bye, guys. Take care.